नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 9 अर्थात सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हमारी इस शानदार सी वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है आरटीजीएस, आईएमपीएस और बाकी सभी बातों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आरटीजीएस से। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक, इसको आपको ध्यान रख लेना है। अब भाई, यह है क्या? तो यह एक ऐसा ऑनलाइन बैंकिंग है जहां पैसों को एक बैंक से दूसरे बैंक तक बिना कोई वेटिंग पीरियड के भेजा जा सकता है। एनईएफटी में हमने देखा था 30 मिनट से लेके 2 घंटे के भीतर पैसा ट्रांसफर होता था, लेकिन दोस्तों यहां बिना कोई वेटिंग पीरियड के आपका पैसा ट्रांसफर होगा एक बैंक से दूसरे बैंक में। किसमें? आरटीजीएस में, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में। दोस्तों इसका फुल फॉर्म यदि आप जान गए तो आप खुद से ही समझ जाएंगे रियल टाइम से कि यहां कोई वेटिंग पीरियड नहीं होगा, तुरंत आपका पैसा ट्रांसफर होगा। और इसे किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? तो इसे आरबीआई द्वारा मेंटेन किया जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, एनईएफटी जो कि 2005 में बना था, इसे भी आरबीआई के द्वारा मेंटेन किया जाता है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, फिर आरटीजीएस के माध्यम से आप कम से कम 2 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं। समस्या यही है दोस्तों, कम से कम 2 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं और अधिकतम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो कम की लिमिट है दोस्तों 2 लाख रुपए, वह भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो हमारा यह वीडियो देख रहे हैं वह 99% तो विद्यार्थी ही हैं, और किस विद्यार्थी के अकाउंट में, उसके विद्यार्थी जीवन में कम से कम 2 लाख रुपये होते हैं ट्रांसफर करने के लिए। तो यहाँ पर समस्या हो सकती है, आरटीजीएस का उपयोग विद्यार्थी तो नहीं कर पाएंगे। फिर कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, जिनके अकाउंट में 2 लाख से ज्यादा हो तो 2 लाख तक का ट्रांजेक्शन कर लेंगे, लेकिन अधिकतर केस में ऐसा नहीं है। ठीक, फिर बारी आती है आईएमपीएस की। इसमें भी वही सारी चीजें करनी है। सबसे पहले फुल फॉर्म ध्यान रखना है, जो कि होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसमें क्या है दोस्तों? इसमें भी ऐसा ही है, इसके तहत आप रियल टाइम में पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हो। इमीडिएट का मतलब क्या होता है? त्वरित, मतलब तुरंत के तुरंत, लगे हाथ, जिसको हम अपनी देशी भाषा में कहा करते हैं। तो आईएमपीएस मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ऐसा बैंकिंग सिस्टम जिसके तहत रियल टाइम में पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके माध्यम से 24/7 कभी भी मोबाइल फोन और इंटरनेट के माध्यम से किसी भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। याद रखें, आईएमपीएस की बात हम कर रहे हैं, इमीडिएट पेमेंट सर्विस की बात हम कर रहे हैं। इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी, एनईएफटी की शुरुआत 2005 में हुई थी। इन चीज़ों को आपको ध्यान रख लेना है। और फिर बारी आती है ओटीपी की, जिसका फुल फॉर्म होता है 1 टाइम पासवर्ड। ठीक, यह एक सिक्योरिटी कोड होता है जिसमें 6 डिजिट होते हैं। ओटीपी में दोस्तों 1 टाइम पासवर्ड में 6 डिजिट होते हैं और यह एक सिक्योरिटी कोड होता है। ओटीपी का उपयोग डिजिटल खातों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। जब भी आप किसी वेबसाइट पर अपना कोई अकाउंट बनाते हैं तो ऐसे में आपके मोबाइल नंबर या जीमेल पर ओटीपी आता है। आपने देखा होगा, ओटीपी आता है, आप ओटीपी को क्लिक करते हैं तो आप एक्सेस कर पाते हैं। आप पासवर्ड भूल गए, चेंज करना चाहते हैं तो भी आपके उस मोबाइल नंबर या जीमेल या ईमेल पर जो आपने रजिस्टर की है उस पर ओटीपी आता है। अब उसी पर ओटीपी क्यों आता है? क्योंकि आपने उसका रजिस्ट्रेशन किया था, कोई और व्यक्ति आपका पासवर्ड चेंज करके आपके वेबसाइट पर, आपके एप्लीकेशन पर या आपके अकाउंट के बिहाफ पर एक्सेस ना कर पाए। इसलिए जो ओटीपी होता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह पर भेजा जाता है। 1 टाइम पासवर्ड दोस्तों,
इसे आप ध्यान रख लेना। ठीक, ओटीपी की सहायता से ऑनलाइन प्रोसेस में होने वाले अपराधों से बचा जा सकता है, क्योंकि ओटीपी उसी के पास आएगा जिस नंबर से अकाउंट बनाया गया है, जिस जीमेल से अकाउंट को रजिस्टर किया गया है। इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है, बिना ओटीपी के पासवर्ड चेंज, एक्सेस, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। ठीक, फिर बारी आती है डेबिट कार्ड की। यार डेबिट कार्ड क्या होता है, नाम सुना होगा आपने, डेबिट कार्ड दोस्तों या एटीएम कार्ड, प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखें प्लास्टिक मनी। किसे कहते हैं, डेबिट कार्ड को कहते हैं, डीसी डिप्यूटी कलेक्टर नहीं, डेबिट कार्ड। ठीक, इसे हम प्लास्टिक मनी कहते हैं। डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर सीधे आपके सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट से पैसा कटता है। ठीक, इसमें आप केवल बैंक अकाउंट का पैसा खर्च कर सकते हैं, किसमें, डेबिट कार्ड में, उतना ही कर पाएंगे जितना आपके अकाउंट में होगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड की बात, चलिए क्रेडिट कार्ड की बात कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड को हम स्मार्ट मनी कहते हैं, ध्यान रखें डेबिट कार्ड इसे हम कहते हैं प्लास्टिक मनी। क्रेडिट कार्ड को हम कहते हैं स्मार्ट मनी। ठीक है, क्रेडिट कार्ड आपको खरीदारी पर भुगतान के लिए धन उधार लेने की सुविधा प्रदान करता है। ध्यान रखें, क्रेडिट कार्ड हमें धन उधार लेने की सुविधा प्रदान करता है। पैसा खर्च करने के लिए आपको बैंक द्वारा क्रेडिट लिमिट दिया जाता है। जितने पैसे तक की लिमिट दी जाती है, उतना पैसा आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खर्च कर सकते हैं। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर बारी आती है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू की। सीवीवी नंबर आपने एटीएम कार्ड के पीछे ज़रूर देखा होगा। आप देख सकते हैं आपके दाहिनी ओर यहाँ पर एक कार्ड बना हुआ है, जहाँ पर मैंने मार्क किया है, सीवीवी नंबर वो कहलाता है। ठीक है, फिर जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो किसी डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से, तब हम सीवीवी नंबर एंटर करते हैं। इस कोड से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का वेरिफिकेशन होता है दोस्तों। फुल फॉर्म क्या होता है सीवीवी का, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ये फुल फॉर्म होता है सीवीवी का, जिसे आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, सीवीवी नंबर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के पीछे मैग्नेटिक स्ट्रिप पर लिखा होता है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी है। ठीक, हमने किन किन बिंदुओं पर बात करी, हमने आरटीजीएस की बात कर ली, हमने आईएमपीएस की बात कर ली, ओटीपी की बात कर ली, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सीवीवी की बात कर ली। अब बात करनी है बार कोड रीडर की, कि भाई बार कोड रीडर क्या है। बीसीआर फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर, यह एक हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस है, इतना आप ध्यान रखें। बारकोड रीडर हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस है। यह बारकोड को स्कैन करके उससे प्राप्त डेटा का इनपुट अपने कंप्यूटर में सीधे ले जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः रिटेल व्यापार में किया जाता है। आपने देखा होगा जब भी आप कहीं शॉपिंग करने गए होंगे तो बारकोड के माध्यम से आपको बिल बनाकर या फिर ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। ठीक, बारकोड बनाने का श्रेय नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड को जाता है। बारकोड क्या करता है, जो आपका प्रोडक्ट होता है उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका डाटा का इनपुट सीधे कंप्यूटर में ले जाता है। डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं कितना का प्राइस है, कितना टैक्स, बाकी सारी चीज़ें आप वस्तु के बारे में देख सकते हैं जो बारकोड के रूप में फीड होती हैं। इस प्रकार से बारकोड काम करता है। बनाने का श्रेय किसको जाता है, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड को जाता है। नाम आप ध्यान रख लें, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड। ठीक, इसे प्राइस स्कैनर या POS पॉइंट ऑफ स्केल भी कहा जाता है। ध्यान रखें जो बारकोड है उसे प्राइस स्कैनर या पॉइंट ऑफ स्केल भी कहा जाता है। फिर बारी आती है दोस्तों QR कोड की। ध्यान रखना है आपको भाई QR कोड क्या होता है, इस तरीके से होता है। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड। सबसे पहले यह ध्यान रखें, यह एक इनपुट डिवाइस है जो लेजर तकनीक से क्विक रिस्पांस कोड को रीड करता है। QR कोड इसका उपयोग डिजिटल भुगतान के समय करते हैं। आपने देखा होगा बार कोड या QR कोड आप मंगाते हैं। ठीक,
QR कोड एक्चुअली में आप मंगाते हैं, नॉट बार कोड। जब आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो आप QR कोड मंगाते हैं, फिर स्कैन करके अपने फ़ोन के कैमरे के माध्यम से पेमेंट कर देते हैं। तो वही है दोस्तों QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, इतना आप ध्यान रखें। फिर बारी आती है क्रिप्टो करेंसी की। शुरुआत बिटकॉइन से हुई थी, इसका उपयोग ब्लॉकचेन पद्धति पर किया जाता है। क्या? क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत बिटकॉइन से हुई थी और इसका उपयोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है, इसे हम डिजिटल करेंसी कहते हैं, ठीक है। इसका उपयोग ऑनलाइन माध्यम से गुड्स और सर्विसेज खरीदने में उपयोग होता है। इसे P2P अर्थात पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर आधारित होता है। पीयर टू पीयर करेंसी भी आप बोल सकते हो, या डिजिटल क्रिप्टो करेंसी कैसी है तो पीयर टू पीयर है, ठीक, या पीयर टू पीयर काम करती है ब्लॉकचेन, ठीक। तो आप ध्यान रखें डिजिटल करेंसी एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर आधारित है। इसका उपयोग इंटरनेट के माध्यम से सरलता से किया जा सकता है। विश्व भर में 1000 से अधिक क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं, जिनका सबका आधार बिटकॉइन को माना जाता है। सबसे पहले इसी को बनाया गया था, क्योंकि ध्यान रखें भाई क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पर आधारित है। शुरुआत हुई थी बिटकॉइन से, इसे हम कहते हैं डिजिटल करेंसी, उपयोग करते हैं ऑनलाइन माध्यम से गुड्स सर्विसेज खरीदने में, ठीक। डिजिटल करेंसी दोस्तों पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर आधारित है। यदि इनके उदाहरणों को देखें हम तो बिटकॉइन, इथेरियम, डॉग कॉइन है ना, लिब्रा, बहुत सारे हैं दोस्तों, ठीक, EOS, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी हैं। आप किसी भी वॉलेट पर जाके देख सकते हैं, जिप्पे पर जाके देख सकते हैं, यूनिकॉर्न पर जाके देख सकते हैं, काफ़ी सारे वॉलेट हैं जो आपके लिए क्रिप्टो एक्सचेंज की सुविधा देते हैं, ठीक। फिर बारी आती है बिटकॉइन की। यार बिटकॉइन क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, 2009 में इंट्रोड्यूस हुई। वर्चुअल करेंसी है, भौतिक अस्तित्व तो नहीं होता, जैसे 10 रुपये का, 50 रुपये का, 2000 रुपये का, नोट के रूप में, सिक्के के रूप में 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये का अस्तित्व तो है। क्रिप्टो करेंसी का कोई ऐसा भौतिक अस्तित्व नहीं है। वर्चुअल करेंसी होती है, नंबर के फॉर्मेट में होती है, आपके क्रिप्टो वॉलेट में होती है, ठीक। वही डिजिटल वॉलेट जिसको मैंने क्रिप्टो वॉलेट कह दिया, इसकी आवश्यकता होती है दोस्तों आपको इसको रखने के लिए, जेब में नहीं रख सकते आप, इतना ध्यान रखें। बिटकॉइन का उपयोग ऑनलाइन पेमेंट में, यह P2P नेटवर्क पर आधारित है, जिसकी चर्चा हमने पहले ही कर ली है। किसी देश, सरकार, बैंक या कंपनी पर इसका नियंत्रण नहीं है दोस्तों। महत्वपूर्ण बिंदु है, यदि प्रश्न आता है क्रिप्टो के संबंध में कौन सा कथन सही है या गलत है, तो उस परिप्रेक्ष्य में आपको ध्यान रखना होगा कि जो बिटकॉइन है उस पर किसी भी देश, सरकार, बैंक या कंपनी का कोई भी नियंत्रण नहीं है दोस्तों। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट है सतोशी। जैसे रुपए को हम पैसे बोल देते हैं छोटी यूनिट में, वैसे ही बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट जो है वह है सतोशी। इसको आप ध्यान रखें, यह क्या है, वह बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट है, ठीक, इतना आप ध्यान रख लें। फिर बारी आती है ई वॉलेट की या मोबाइल वॉलेट की। तो दोस्तों मोबाइल वॉलेट एक प्रकार की भुगतान सेवा है, जिसके माध्यम से पैसों का आदान प्रदान वर्चुअली किया जाता है, इसलिए तो ई वॉलेट या मोबाइल वॉलेट लगाया। नहीं तो नॉर्मल वॉलेट बटुआ जिसका उपयोग करता है इंसान, उसका नाम लिखा होता, वैसा कुछ भी नहीं है। इसलिए वर्चुअली दोस्तों, क्योंकि डिजिटली काम हो रहे हैं सारे, है ना, इसे मोबाइल मनी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखें जो ई वॉलेट है उसे मोबाइल मनी के नाम से जाना जाता है। विभिन्न एप्लीकेशंस जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन आदि द्वारा मोबाइल वॉलेट सुविधा दी जाती है। अमेजन पे, अमेजन का वॉलेट अलग है, पेटीएम वॉलेट ही है, गूगल पे ने अलग से अपना वॉलेट, फ़ोन पे ने भी बना रखा है। टाइप ऑफ ई वॉलेट्स की यदि हम बात करें तो 3 प्रकार के ई वॉलेट होते हैं, क्लोज्ड वॉलेट, सेमी क्लोज्ड वॉलेट और ओपन वॉलेट। ध्यान रखना है जो ई वॉलेट होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, क्लोज्ड वॉलेट, सेमी क्लोज्ड वॉलेट और ओपन वॉलेट। कौन से 3? क्लोज्ड वॉलेट, सेमी क्लोज्ड वॉलेट और ओपन वॉलेट। अब क्लोज्ड वॉलेट क्या होते हैं दोस्तों? इन वॉलेट के पैसों का उपयोग केवल उस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए किया जाता है जो कंपनी वॉलेट की सुविधा देती है, जैसे ओला मनी, अमेजन वॉलेट। इनके जो वॉलेट में आपका पैसा है
आप इनका उपयोग सिर्फ इन्हीं वेबसाइट्स पर या इन्हीं एप्लीकेशन से प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कर सकते हैं। कोई और प्रोडक्ट आप इनसे या किसी दूसरी साइट का प्रोडक्ट इनके वॉलेट से पेमेंट करके नहीं खरीद सकते। यह सीमा हो जाती है क्लोज्ड वॉलेट की। फिर बारी आती है सेमी क्लोज्ड वॉलेट की। इस वॉलेट में आप केवल शॉपिंग कर सकते हैं, कैश नहीं निकाल सकते। क्लोज्ड वॉलेट में क्या था, सिर्फ वहीं शॉपिंग कर पाएंगे जहां पर आपने इनको ऐड किया है। जिस कंपनी के वॉलेट में आपको आपने मनी को ऐड किया है उसी कंपनी के प्रोडक्ट में आप शॉपिंग कर पाते थे क्लोज्ड वॉलेट में। लेकिन सेमी क्लोज्ड वॉलेट में क्या है, आप शॉपिंग तो कर लेंगे कहीं भी किंतु कैश नहीं निकाल सकते। जैसे पेटीएम वॉलेट में जो पैसा आप ऐड कर लेते हैं उसे आप कैश फॉर्म में फिर नहीं निकाल सकते दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखें। फ्री चार्ज इन सब में दोस्तों आप क्या है, शॉपिंग तो कर लेंगे लेकिन आप कैश में पैसा नहीं निकाल पाएंगे। फिर बारी आती है ओपन वॉलेट की। यह वॉलेट सिर्फ बैंक द्वारा ही जारी किया जाता है। इस वॉलेट में शॉपिंग के साथ साथ आप कैश भी निकाल लोगे, जैसे पेपल, एम पैसा, ये इसके उदाहरण है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। पेपल और एम पैसा जो है ये ओपन वॉलेट के उदाहरण है, बिल्कुल आवश्यक रूप से ध्यान रखें। प्रश्न आएगा आप पे, बनना चाहिए, मैंने इतना जोर दिया है इस चीज़ पर। क्लोज्ड वॉलेट सिर्फ आप उसी कंपनी की प्रोडक्ट को खरीदेंगे जिस कंपनी के प्रोडक्ट में आपने पैसा जमा किया है, या जिस कंपनी के वॉलेट में दोस्तों, प्रोडक्ट में नहीं वॉलेट में पैसा आपने जमा किया है, जैसा ओला मनी, अमेजन वॉलेट आदि क्लोज वॉलेट के उदाहरण है। फिर सेमी क्लोज में आप शॉपिंग कहीं भी कर लोगे लेकिन पैसे को कैश रूप में नहीं निकाल पाओगे, वॉलेट में ही रहेंगे। और ओपन वॉलेट तो शॉपिंग भी कर लो, कैश भी निकाल लो। एम पैसा, पेपल इसके उदाहरण है। अब बारी आती है विभिन्न प्रकार के ई वॉलेट्स की। दोस्तों ये तीसरा वीडियो है आज का। वीडियो बनाते बनाते गला थोड़ा सा दर्द देने लग गया क्योंकि 10 को खत्म करना था, 10 मई को सिलेबस और आज 10 मई है, तो बस उसी प्रयास में मैं आज तो वैसे बैठ गया हूँ। सो के जैसे ही उठा था तो जो वीडियो अपलोड हो गया था, सबसे पहले वीडियो क्रमांक 52 शायद, क्लास 52, उसमें आप देखेंगे तो ऐसी आवाज़ आ रही होगी जैसे कोई इंसान सो के उठ के बोलता है, तो बहुत भारी आवाज़ रहती है। मेरी आवाज़ वैसे भी भारी है, उस वीडियो में आपको और लग रहा होगा कि सर को क्या हो गया, है ना, जैसे कोई गला पकड़े हो बहुत जोर से और सर बोल रहे हो। तो वो बिल्कुल जस्ट सो के उठा मैं बैठ गया, बिना ब्रश किए बैठ गया, तो पहला वीडियो। दूसरा वीडियो अभी प्रोसेसिंग में लगा हुआ है, उसको सेव होने में ही टाइम लगेगा, ठीक। तो दूसरा वीडियो आपको कुछ देर बाद मिलेगा, और जो ये वीडियो है वो आज का तीसरा वीडियो है जिसमें अब गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लग गई। पहले वीडियो में क्या था, सो के उठा था तो प्रॉब्लम थी, दूसरा वीडियो बढ़िया चला, अब तीसरे वीडियो में गला सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन आज कंप्लीट करना है, 10 मई है तो प्रयास जारी है, देखते हैं कहां तक पहुंच पाते हैं। बात करनी है विभिन्न प्रकार के ई वॉलेट्स की, जिसमें हम नाम देखेंगे, स्थापना और संस्थापक, लोगों तो आप खुद ही देख लेंगे, ठीक है। मोबीक्वी 2009, विपिन सिंह और उपासना ताकू इसके संस्थापक, मोबीक्वी 2009 में, ठीक। फिर पेटीएम 10 में आया था, विजय शेखर शर्मा। ऑक्सीजन वॉलेट 2014, प्रमोद सक्सेना। फोनपे 2015, राहुल चेरी और समीर निगम। भीम ऐप आया 2016 में, आरबीआई का है। गूगल पे 2018, गूगल इंक का है। भारत पे 2018, अश्नीर ग्रोवर का है। ध्यान क्या रखना है, गूगल पे भारत पे एक साथ आए, गूगल पे 2018, भारत पे 2018। गूगल इंक का गूगल पे है और अश्नीर ग्रोवर का है भारत पे। ध्यान रखें, गूगल पे भारत पे एक साथ आए, 2018 में आए, उसके पहले 2016 में भीम एप्लीकेशन आ गया जो कि भारतीय रिजर्व बैंक का है। भीम ऐप के जस्ट पहले आया 2015 में राहुल चेरी और समीर निगम के द्वारा फोनपे। फोनपे के एक साल बाद आया भीम एप्लीकेशन, उसके दो साल बाद गूगल पे, और क्या आया, भारत पे आया, ठीक। इस प्रकार से आप कनेक्ट करें, फोनपे के पहले आया ऑक्सीजन वॉलेट जस्ट पहले 2014 में प्रमोद सक्सेना का, तो पेटीएम फोनपे के पहले ऑक्सीजन वॉलेट 14 में, फोनपे 15 में, भीम ऐप आया 16 में, फिर गूगल पे और क्या भारत पे आया 18 में। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पेटीएम तो सबको पता है, स्नैपडील भी आया था शायद 10 में, तो पेटीएम स्नैपडील 10 में आए। पेटीएम किसने बनाया, विजय शेखर शर्मा ने। मोबीक्वी आया 2009 में विपिन सिंह और उपासना ताकू के द्वारा, उम्मीद है आपको सन याद हो गए होंगे। अब संस्थापक भी आप एक बार फिर से सुन लें, फिर आगे बढ़ते हैं। मोबीक्विक संस्थापक विपिन सिंह, उपासना ताकू। पेटीएम के हम सभी जानते हैं विजय शेखर शर्मा। ऑक्सीजन वॉलेट 2014 प्रमोद सक्सेना। फोनपे 2015 राहुल चेरी और समीर निगम। फिर भीम ऐप दोस्तों 2016 है भारतीय रिजर्व बैंक, और फिर गूगल पे फोनपे 2018 है, गूगल पे
सबको पता है गूगल इंक, और भारत पे फोन पे नहीं दोस्तों, भारत पे 2018, फोन पे तो 2015 में आया था। करेक्ट कर लें सारी चीज़ों को, बिल्कुल कन्फ्यूजन किसी भी प्रकार का मन में नहीं रखना है, क्योंकि कन्फ्यूजन हुआ और एग्जाम में समस्या हुई, नजर हटी दुर्घटना घटी, एक नंबर से फेल होना मतलब फेल होना, कट ऑफ लाइन के। यदि आप उस पार हैं तो ठीक है, यदि इस पार है तो चाहे एक नंबर से हो चाहे 50 नंबर से हो बात बराबर है, ठीक है। तो भारत पे अश्नीर ग्रोवर 2018, उम्मीद है सारी चीजें क्लियर होंगी। अब बारी आती है ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑर्डर प्लेस की, ठीक। इसमें दोस्तों बात होनी है ई कॉमर्स वेबसाइट की, शॉपिंग कार्ट सिस्टम की, कॉल सेंटर की, वेब प्लेटफॉर्म की और ईमेल की, इनके माध्यम से ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन और ऑर्डर प्लेस वगैरह होते हैं। पर ऑर्डर क्रिया की यदि हम बात करें, ऑर्डर प्रोसेस की, तो कस्टमर द्वारा सबसे पहले ऑर्डर दिया जाता है उत्पाद का, फिर सेलर द्वारा ऑर्डर की जांच की जाती है, फिर सेलर को ऑर्डर का पेमेंट प्राप्त होता है, फिर गोदाम से ऑर्डर दिया जाता है, फिर सामान की पैकेजिंग होती है, फिर सामान कस्टमर तक पहुंचता है। यह प्रोसेस होती है पूरी ऑर्डर प्रक्रिया की। अब आती है बात ई कॉमर्स के 5 अवयवों की, कि किन 5 अवयव की आवश्यकता होती है ई कॉमर्स में। सप्लायर चाहिए, गोदाम चाहिए जिसे वेयर हाउस कहते हैं, शिपिंग होनी चाहिए, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट होना चाहिए और ई कॉमर्स का कैटेलॉग होना चाहिए। सप्लायर, वेयर हाउस, शिपिंग, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट और ई कॉमर्स कैटेलॉग, ये 5 अवयव हैं जिनकी आवश्यकता होती है ई कॉमर्स में, ठीक। ये मोटिवेशन के लिए चीज़ें लिखी हुई हैं, बीच बीच में आप इन्हें भी पढ़ते रहें। फिर बारी आती है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाम ई कॉमर्स की, ठीक। हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कौन कौन से नियम, रूल्स, रेगुलेशंस ई कॉमर्स पर रखता है, इसलिए यहाँ पर बनाम लिखा हुआ है। इसको युद्ध के रूप में दर्शा दिया, गेम के रूप में दर्शा दिया है, ठीक है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं इन सारी चीज़ों की, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ, 20 जुलाई 2020 को। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ, 20 जुलाई 2020 को, इसको आप ध्यान रख लें। यह पुराने अधिनियम 1986 के स्थान पर लाया गया, पुराना अधिनियम था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, उसके स्थान पर नया अधिनियम 2019 लाया गया, जो अधिनियम यह लागू कब हुआ, 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ दोस्तों, याद रखें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। फिर बारी आती है इस अधिनियम में, अर्थात 2019 के अधिनियम में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA का प्रावधान है, CCPA का प्रावधान है 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में। इस अधिनियम में ई कॉमर्स से संबंधित प्रमुख प्रावधान की यदि हम बात करें तो वे यह हैं कि ई कॉमर्स यूनिट को अपने मूल देश सहित रिटर्न, रिफंड, वारंटी, एक्सचेंज, डिलीवरी एवं शिपमेंट, भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण, शुल्क वापसी संबंधी विकल्प आदि के बारे में सूचना देना अनिवार्य है। इन सभी बिंदुओं पर और भी कुछ बिंदु हैं जिन पर जानकारी देनी होगी ई कॉमर्स यूनिट को अपने कस्टमर के लिए, इन जानकारियों को कस्टमर से साझा करना होगा ताकि कस्टमर सही सही सटीक अनुमान लगा पाए उत्पाद के बारे में, कंपनी के बारे में, ठीक। तो ये कंपलसरी कर दिया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को 48 घंटों के अंदर कस्टमर को शिकायत प्राप्ति की सूचना देनी होगी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें 48 घंटे के अंदर की लिमिट है, कस्टमर को शिकायत प्राप्ति की सूचना देनी होगी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को। शिकायत प्राप्ति की तारीख से 1 महीने के अंदर उसका निपटान अनिवार्य होगा, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें दोस्तों। 48 घंटे के अंदर कस्टमर को शिकायत प्राप्ति की सूचना देनी होगी, शिकायत प्राप्ति की तारीख से 1 महीने के अंदर उसका निपटारा करना होगा, इस बात को ध्यान रखें, ये नियम है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए। अब बारी आती है फुल फॉर्म जान लें आप कुछ, आपको जो ध्यान रखने हैं एब्रिविएशंस की हम चर्चा कर लेते हैं। 1H का मतलब होता है फर्स्ट हाफ, 24/7 का मतलब होता है 24 hours a day और 7 days a week। ASIN का फुल फॉर्म होता है अमेजन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, अमेजन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर ASIN। BPO का फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO।
बी टू जी का फुल फॉर्म है बिजनेस टू गवर्नमेंट, बी टू बी का फुल फॉर्म बिजनेस टू बिजनेस। कोई समस्या नहीं जाएगी आपको, हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं अपने पिछले वीडियोस में। बी टू सी का फुल फॉर्म बिजनेस टू कंज्यूमर, सी टू सी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, सी टू जी सिटीजन टू गवर्नमेंट, सी वी वी का फुल फॉर्म कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बी टू जी से लेकर सी टू जी तक की चर्चा करी है, आप हमें इनके एग्जाम्पल्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक, फिर सी ओ डी का फुल फॉर्म कैश ऑन डिलीवरी, पी ओ डी का फुल फॉर्म पे ऑन डिलीवरी। ठीक, मैंने आपसे पूछा था, कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताया होगा। डी आई एस सी का फुल फॉर्म डिस्काउंट, ई जी का फुल फॉर्म एग्जाम्प्लाई गार्शिया, ई टी सी का एटसेट्रा, ई एम आई का एक्युलेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक, एफ ए क्यू का फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें आपको मिलती होंगी वेबसाइट्स में जब आप शॉपिंग करते होंगे नीचे, की बार बार कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनके आंसर्स भी आपको दिए हुए होते हैं। फिर दोस्तों जी टू बी का गवर्नमेंट टू बिजनेस एग्जाम्पल कमेंट में बताएं, जी टू सी गवर्नमेंट टू सिटीजन एग्जाम्पल बताएं, जी टू ई गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय कमेंट में एग्जाम्पल इसका भी बताएं, जी टू जी का एग्जाम्पल भी आप कमेंट में बताएं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। फिर जी टी आई एन का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर, जी टी आई एन इसका फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखें, ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन या आइटम नंबर, सॉरी ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर, जी टी आई एन ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर। हेडक्वार्टर एच क्यू का फुल फॉर्म है, आई एम पी एस का फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस आई एम पी एस का फुल फॉर्म है। ISBN का नंबर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, आपने पुस्तकों के पीछे देखा होगा ISBN लिखा होता है, फिर डॉट लगे होते हैं, नंबर लिखा होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर ISBN। KYC का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर, KYC करवानी होती है। अब तो आप यदि स्थानीय निवास, जाति, इनकम, जाति का तो मुझे नहीं पता, आय सर्टिफिकेट और स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तब भी आपके लिए ये KYC करवानी होती है समग्र आईडी से, क्योंकि मैं बनवाने गया था तो मुझे आइडिया है, यदि आपको बनवाना हो जाएं तो ये ज़रूर करा लें, नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा करवाने में। MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, OTP वन टाइम पासवर्ड, TNC टर्म एंड कंडीशंस, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण एब्रिविएशंस की चर्चा कर ली है ई कॉमर्स से संबंधित। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में चर्चा की जाएगी ई कॉमर्स से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। पुराने वीडियो सारे नहीं देखे तो अब देख लें ताकि आप सही तरीके से पार्टिसिपेट कर पाएं वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले सेशन में, और आपको काफ़ी मजा आए, पूर्णतः आत्मविश्वासित रहें आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, क्योंकि यदि आप पिछले वीडियोज़ देख लेते हैं इस टॉपिक के तो आशा है मुझे 95% से ज़्यादा प्रश्नों के आंसर आप हमारे इस वीडियो MCQ वाले वीडियो सेशन में सही कर पाएंगे। ठीक, आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा और आपकी तैयारी भी बढ़िया हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ, आज ही मिलेंगे, इसके कुछ देर बाद मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हो सकता है आपके पास तक शाम तक पहुंचे, क्योंकि वही सारी चीज़ें हैं फिर वीडियो में, वीडियो बनाना उसके बाद सेव करने में बड़ा टाइम लगता है दोस्तों, वीडियो को लगभग 1 घंटे एक वीडियो सेव होने में ले लेता है, और बड़ा वीडियो है तो और भी ज़्यादा समय लेगा, फिर अपलोड होने में भी टाइम लगता है, अपलोड होने के बाद प्रोसेसिंग होती है वो भी 100% होती है, सब 100% चलता है दोस्तों, सेव करने में भी 100% होता है, 0 से लेकर 100 तक का वेट करो, फिर अपलोडिंग में भी ऐसे ही होता है, फिर प्रोसेसिंग में भी ऐसे ही होता है, फिर अपलोड हो पाती है वीडियो कम्प्लीटली, फिर उसमें थंबनेल लगाना, टाइटल लगाना, डिस्क्रिप्शन लगाना, टैग लगाना, प्लेलिस्ट में ऐड करना, तमाम तो चीज़ें होती हैं करने के लिए, उसके बाद वीडियो आप तक पहुँचता है। तो ये वीडियो मैंने बना तो सुबह सुबह दिया है, लेकिन आप तक पहुंचेगा थोड़ी देर से, हो सकता है 3 बज जाए 4 बज जाए, फिर इसके बाद का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला वीडियो है वो भी आपको आज ही मिलेगा, और मैंने आपसे जैसा कहा था कि 10 मई तक हम इस यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे, तो मेरा पूरा प्रयास है आज हम इसे कवर करें, फिर आप बढ़िया इसको रिवाइज़ कर लें बाकी सारी यूनिट्स की वीडियो। यदि आप प्लेलिस्ट चेक करते हैं तो आपको यूनिट 1, यूनिट 3 शायद है ना, और 5 जो MP से रिलेटेड है वो कवर हो जाएंगी थोड़ी बहुत, यूनिट 8 भी कवर हो जाएगी आपकी, जिसमें MP के स्पोर्ट्स वाला सेक्शन है, साथ ही साथ यूनिट 9 और यूनिट 10 की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पर। तो इस प्रकार से 5 और 5.5 यूनिट हम बोलें आपको हमारे चैनल पर कवर हो जाएगी यदि आप प्लेलिस्ट चेक करते हैं तो बस सपोर्ट की आपसे दरकार है, लगातार हमारा सपोर्ट करें, लगातार मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें, और तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।